किसानों को उनकी ईमानदारी और जो उसकी नीतियाँ थी किसान के लिए, उस पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह चल नहीं रही, अमल किया, उसी का कारण है 50,000 तक कर्जा माफ, सिंचाई मुफ्त, कितने किसानों का काम किया बताते ही नहीं आप जनता को। आज तक हिंदुस्तान में किसी सरकार ने इतने अच्छे काम नहीं किए जितनी आपकी सरकार ने की, लेकिन जनता में उसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता नहीं बताते हैं और बुरा मत मानिए पार्टी की इच्छा खराब हो जाएगी। आज भी मैंने अखबार पढ़ा, एक मिनिस्टर की लड़की की गुंडई, बीजेपी क्यों जीती है वो कह पत्रकार में तो अब कहेंगे अकेले बता दे और कहने में कोई बोल नहीं, उनका कार्यकर्ता गुंडई नहीं करता, इसी चार सुबह सरकार बन गई। आज अखबार पढ़ो तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कई जगह गुंडई कर रहे, पढ़ा अखबार नहीं गुंडई कर रहे। इसलिए मैंने फैसला किया आज से कर रहा हूँ आपके सामने, मैं जिस दिन अखबार पढ़ूंगा गुंडई हूँ उसी दिन उसको पार्टी से निकाल देंगे। साफ एक कहना था अभी मैं करूँगा अटैच फोन इससे कह रहा हूँ सपा दो या लड़के को ठीक करो, आज अखबार में है गुंडई कोई छपी गुंडई तो सफाई देते हो भाई लड़की मनीषा का लड़का गुंडा ही करेगा, तो इसलिए हमारी इमेज खराब कर रहे पार्टी, इमेज खराब कर रहे पार्टी। अगर मनीषा का परिवार का लड़का हो गया या कोई परिवार का सदस्य गुंडा ही करेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी, कितना समझ के चलना पड़ता है, नुकसान ये लोग कर रहे हैं, सारे अखबार में छपा है कमलेश्वर के लड़के की गुंडई, ये अखबार वाले का बेवकूफ है किसी के सही छापा है गुंडई है और सफाई देगा अपने लड़के के पक्ष में, वो आदमी समझ लो अपने परिवार को बर्बाद कर रहा है।